चीन से दुनिया के विभिन्न देशों तक फैलने वाले कोरोना वायरस की दहशत अब झालावाड़ जिले में भी दिखाई दे रही है। यहां से चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए बच्चों के माँ बापों को अब कोरोना वायरस का डर सता रहा है। झालरापाटन के वीरेंद्र सिंह की पुत्री राजनंदिनी चीन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। उसके साथ ही झालावाड़ जिले के ही दो अन्य छात्र भी चीन में ही अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में राजनंदिनी को लेकर उसके परिवारजन भयभीत है। राजनंदिनी की मां लगातार भारतीय एम्बेसी से बात कर बेटे की कुशल क्षेम पूछ रही है। मां ने प्रदेश व केंद्र सरकार तथा एम्बेसी से अपील की है कि यहां के बच्चे जो चीन में रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं उन्हें संक्रमण से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि परिजनों से बातचीत के दौरान राजनंदिनी ने परिवार को चीन में ही सुरक्षित तरीके से रहकर अध्ययन को जारी रखने की बात कही। झालावाड़ जिले के करीब एक दर्जन छात्र चीन में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से करीब 8 से 10 छात्र अपने घर लौट चुके हैं, जिनकी लगातार जांचें की जा रही है जिससे खतरनाक वायरस किसी को हानि नहीं पहुंचाए। वहाँ कोई सर्विस नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्विस और शॉप्स भी इतनी नहीं खुल रही और 2 तारीख तक उनके फेस्टिवल है तो उसके लिए भी बंद है और एक ये वायरस है तो अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सही सलामत जैसे पॉसिबल हो सके सुरक्षित, या तो सुरक्षित रहे या सुरक्षित घर पे आ जाए। सरकार मतलब पूरा ध्यान रखे, या तो अगर सरकार वहाँ पर ध्यान रखे एम्बेसी या तो वहाँ ध्यान रखे, और अगर यहाँ पॉसिबल होता लाना तो मिल जाते हैं। यहाँ अक्षत, मैं जिरिन सिटी में पढ़ता हूँ, वहाँ पे जिरिन प्रोविंस में बेवा यूनिवर्सिटी में, और मतलब वहाँ से अभी हम छुट्टियों में आए हैं, पर जैसे वायरस जब आउटब्रेक हुआ था उससे पहले हम आ गए थे, बट हमारे कई सारे दोस्त उधर हैं, मतलब तो हम चाहते हैं कि वो भी आए सारे। बस यही। झालावाड़ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि जिले के उन सभी लोगों की लगातार जानकारी जुटाई जा रही है जो चीन में रहकर अध्ययन अथवा व्यवसाय या नौकरी करते हैं, तथा उनके लौटने के लिए MBBS के माध्यम से लगातार मदद की जा रही है। तो वहीं झालावाड़ जिला अस्पताल में भी स्पेशल ICU वार्ड तैयार किया गया है, जहाँ किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों को तुरंत उपचार दिया जा सके। राज्य स्तर पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जो भी व्यक्ति वहां पर मदद के लिए जिनको आवश्यकता है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा पहले तो मुहैया कराई जाएगी वो मदद, और दूसरा यहां पे जो हमें तैयारियां रखनी है आइसोलेशन वार्ड की या मदद करने की, वो तैयारियां भी हम यहां पे मुकम्मल रखेंगे।